महामारी से पहले भी ज्यादा भारी होती जा रही है और लापरवाही की तो सारी हदें जो हैं वो अब पार हो चुकी हैं, जिसका अंजाम आपके सामने है कि अब कोविड संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है, जिस पर ब्रेक लगाने के लिए सारे इंतजाम फिसड्डी साबित नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना लोग सुधर रहे हैं और कहीं ना कहीं इंतजाम भी नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। हालात ये है कि अब लॉकडाउन की टिक टिक शुरू हो गई है, फिर से अस्पताल फुल हैं, संक्रमण फैल रहा है, नाइट कर्फ्यू का सिलसिला शुरू हो गया है जो धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन ही कोरोना को रोकने का एकमात्र उपाय है क्या? और सवाल यह भी है कि क्या हम और आप अब थोड़ी सी सावधानी और एहतियात से कोरोना को मात नहीं दे सकते? सवाल यह भी कि अब वक्त आ गया है वैक्सीनेशन प्रक्रिया को और तेज करने का। एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे, लेकिन पहले तेजी से बढ़ते संक्रमण और सख्ती पर खास लोगों की प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। अभी कल 6000 लगभग थे, आज 8000 करीब हो चुके हैं, 2000 हमारा इंक्रीज हुआ है और जो हमारा रिकवरी रेट भी अप डाउन हो गया है, 93% हो गया, 92% हो गया है। मुख्यमंत्री के मीटिंग में तय हुआ है कि 1000 से ऊपर या 500 से ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें 500 से ऊपर या 1000 से ऊपर के जो तेजी से काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रहे हैं, वहाँ पर जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि अपने उसको देखते हुए, स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाना या आयोजन में कमी करना, भीड़ों में करना, उसमें सख्ती करना, मास्क पहनने के लिए पूरा माइक से उसको प्रचार करना, इस तरह की तमाम व्यवस्था है ये करने के लिए बता दिया गया है। नाइट कर्फ्यू और शिक्षण संस्थान को बंद किया जाना, ये दोनों चीज़ें सुरक्षा का उपाय भी है और एक मनोवैज्ञानिक रिमाइंडर भी है कि कोरोना की स्थिति गंभीर है, हम लोग की लापरवाही की वजह से और गंभीर हो रही है। सो नाइट कर्फ्यू कल रात से ही हम लोग ने शुरू कर दिया है, आज उसको पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। दिन में भी जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका जुर्माना किया जा रहा है, मास्क ना लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना हो रहा है, और नाइट में जो उल्लंघन होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक एक व्यक्ति जिसके खिलाफ पहली बार कार्रवाई की जा रही है उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और रिकॉर्ड हम रख रहे हैं, जिससे कि अगर दोबारा वो पाए जाते हैं तो फिर कॉग्निजेबल धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी भी उनकी की जाए। तो कोरोना पर लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, KGMU में 26 डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना संक्रमित है। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में 26 डॉक्टर्स कर्मचारी कोरोना इन्फेक्टेड हैं। 26 में से 23 लोगों में कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं थे। तो KGMU अस्पताल लखनऊ का बड़ा अस्पताल है, रेप्यूटेड अस्पताल है, 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से। 26 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ इसमें शामिल है। न्यूरो सर्जरी विभाग में 24 डॉक्टर कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 26 में से 23 लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब कि कोरोना के लक्षण उनके अंदर नहीं थे। तो KGMU अस्पताल में 26 डॉक्टर्स न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 23 उनमें से एसिम्प्टोमेटिक बताए जा रहे हैं। तो अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये वायरस किसी यमदूत से कम नहीं साबित हो रहा। इससे कैसे बचे और अब क्या उपाय हैं जो इस काल से आपको बचा सकते हैं, चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। लखनऊ से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और कानपुर से सीनियर कंसल्टेंट कल्पना दीक्षित जी भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल IMA की प्रेसिडेंट डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ से हमारे साथ है। डॉक्टर रमा, धीरे धीरे अब जो परिस्थितियां हैं, क्या एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ ले जा रही है हमें? ये जो सेकेंड वेव आई है वापस, उसके लिए अब ये कहा जा रहा है कि पहले से ज्यादा इन्फेक्शन इसके कारण फैल रहा है, लेकिन पहले से ज्यादा लापरवाही भी हो रही है और पहले से ज्यादा क्या इंतजाम काफी नजर आ रहे हैं इससे निपटने के लिए? नहीं, इंतजाम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे क्योंकि जनता लापरवाह हो गई थी, ये सच है। लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दी, जो हैंड वॉश बार बार बताया जा रहा था कि ये बहुत जरूरी है, चाहे वो अल्कोहल बेस्ड रब से करें या सोप वाटर से करें, लेकिन ये सब चीज़ों को कोई ध्यान दे नहीं रहा था। और होली की वजह से ये और बढ़ गया, क्योंकि होली मिलन समारोह, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को ग्रीट करना, ये सब चीज़ें खुल के हुई हैं। तो जब पाबंदियां जो कोरोना से बचाने के लिए तय की गई थी उनका पालन नहीं होगा तो बीमारी तो बढ़ेगी, क्योंकि कोरोना कभी ख़त्म तो हुआ नहीं था, बस कंट्रोल हुआ था थोड़ा, कि जितना पिछले साल था उससे जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा था, बट उसका ये मतलब तो हुआ नहीं कि बीमारी ख़त्म हो गई। जैसे ही हम लोगों ने
ये पाबंदियाँ कम कर दी या नहीं की, तो उसका आप नतीजा देख रहे हैं कि किस बुरी तरह से ये फैला है। और ये जो नया स्ट्रेन है जी, वो और ज़्यादा परेशानी का बायस बन गया है, क्योंकि इसमें कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं हैं, स्टिल उनमें कोरोना के सारे लक्षण मिल रहे हैं। कल्पना जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो दूसरी लहर आई है इसमें बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है, क्या ये लीथल भी है? मतलब क्या मृत्यु दर बढ़ रही है पहले के मुकाबले? इस वक्त का एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है? देखिए, इस समय का एग्जैक्ट सिनेरियो है कि हमारे इंडिया में एक्टिव केसेस मोर देन 9 लाख हो गए हैं, और इसमें डेथ रेट जो है करीब 1 लाख के ऊपर है। तो हमें ये करना है, सबसे पहले हमें अपने टेस्ट बढ़ाने हैं, टेस्ट के बाद पेशेंट्स जो डिटेक्ट होते हैं उनको आइसोलेट करना है, और उनको क्वारंटाइन या हॉस्पिटलाइजेशन जैसे भी नीड है उनको एडवाइस करना है। बिल्कुल, तो सावधानियां जरूरी हैं। yes. और तैयारियां अस्पताल के स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर वापस से ऐसे कड़ी करनी होंगी जैसे पिछले साल हमने जून या जुलाई के महीने में देखा था या हो रही थी, और लोग भी इस चीज को मान रहे थे, पर लोगों में भी लापरवाही आई है। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, आपको क्या लगता है कि ये जो लापरवाही लोगों की है, चाहे वो त्योहारों के माध्यम से हो या वैसे भी लोगों को लगने लगा था कि अब तो कोरोना गया, बिल्कुल आखिरी स्टेज में लड़ाई चल रही है, वैक्सीन भी आ ही गया है, अब हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, मतलब वैक्सीन आने के बाद भी क्या ये ढिलाई बरतना सही है? बिल्कुल नहीं। वैक्सीन आने के बावजूद तमाम डॉक्टर्स देखे गए हैं, जो बड़े बड़े अस्पतालों के वाइस चांसलर्स एंड डायरेक्टर्स, ये सब दो दो वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हैं, हालांकि लक्षण इनमें कम है। जो इंटेंसिटी ऑफ डिजीज देखी गई थी बगैर वैक्सीनेशन के, उसकी तुलना में लक्षण कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना का संक्रमण नहीं हो सकता। देखिए, एक बात बहुत ज़रूरी है जानना कि सब कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। कोरोना जैसी बीमारी पहले तो कभी दुनिया में आई नहीं, और उसके बाद स्टडीज शुरू हुई, उसके बाद बस हिट, जैसे जैसे बीमारी ने हिट किया लोगों को पूरी दुनिया में, वैसे वैसे रिसर्च वर्क स्टार्ट हुआ। वैक्सीन बनाने में हमारा देश अग्रणी रहा, लगाने में भी अग्रणी समझा जा रहा है, लेकिन 130 करोड़ लोगों के दरमियान सिर्फ 9 करोड़ लोगों को लगा है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी बचे हुए जो लोग हैं वो कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे, और वो कितने बीमार होंगे इसकी कोई गारंटी तो कहीं नहीं है। अब कोरोना जैसा डिजीज है, ये एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है वो मिनिमम 400 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, इफ प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन, अगर हम लोग सावधानियां नहीं बरतते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है। ये बहुत बड़ी बात आपने पॉइंट आउट की है डॉक्टर रमा, एक व्यक्ति जो है वो 400 से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो उस हिसाब से आप सोचिए, इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और ये लापरवाही अगर इसी तरह बढ़ती रही तो एक से इन्फेक्शन फैलकर कितनी जल्दी और कितनी बड़े पैमाने पर आबादी को हो सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हर किसी पर सिम्टम्स अलग हैं। डॉक्टर कल्पना दीक्षित, मान लीजिए एक शख्स 400 से ज्यादा लोगों तक इन्फेक्शन फैला सकता है, ये एक डेटा है, लेकिन हर किसी पर सिम्टम अलग है, जरूरी नहीं है जहां से इन्फेक्शन की शुरुआत हुई हो उस पर सिम्टम ज्यादा हो, लेकिन ये भी इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन 400 लोगों के दायरे में ऐसे लोग ना आए जो अपनी जान भी गंवा सकते हैं। आपका बिल्कुल कहना सही है। देखिए, हम ये इन्फेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन उसकी इम्यूनिटी लेवल पे वैरी करता है। अब जैसे कि आपने देखा कि हम लोग बहुत मैक्सिमम नंबर को वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैक्सीनेशन से क्या हम लोग को फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोग सबको वैक्सीनेट कर रहे हैं। एक तो नंबर वन ये है कि हम लोग की थोड़ी इम्यूनिटी लेवल उससे बनता है। दूसरी बात, जो री इन्फेक्ट हो रहे हैं उसका कारण ये है कि जैसे आपने लॉक एंड की सिस्टम देखा है कि इसकी स्पाइक प्रोटीन जो उससे हम इम्यूनिट एंटीबॉडीज़ नहीं डेवलप हुई, हमने वैक्सीनेशन करवाया उससे हमारी एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई। अब एंटीबॉडीज़ दूसरा स्ट्रेन आया, हो सकता है उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ हो, तो जिस तरीके से, तो वो माइल्ड इफेक्ट हमारे ऊपर छोड़ जाएगा। तो ये नहीं है कि हमें वैक्सीनेशन से नुकसान है, हमें वैक्सीनेशन से ये फ़ायदा है कि हमें उसका इफेक्ट कम होगा। आप समझे, जिस तरीके से ताले में चाबी लगाते हैं, तो जिस एंटीबॉडीज़ है उसमें बन गई तो पर्सन पर रिएक्शन नहीं होगा, अगर थोड़ा सा म्यूटेशन अगर हुआ है वायरस में तो वो पेशेंट को सिम्टम प्रेजेंट करेगा, इसे हम लोग कहते हैं। मतलब
कि म्यूटेटेड वायरस से अगर कोई इन्फेक्ट हुआ है तो उसको भी वैक्सीनेशन जरूरी है, एक एक लिमिट तक कवर दे सकता है। अब म्यूटेशन के कारण कुछ अलग से सिम्टम्स उसमें आ जाए हाँ, तो उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल तक हम उसको कवर कर सकते हैं। जी बिल्कुल हाँ। अब हमारा आईसीएमआर की देखिए गाइडलाइंस है कि वैक्सीनेशन के बाद 4-5% पेशेंट री इन्फेक्ट हो रहे हैं, आप समझे, जिनके एंटीबॉडीज भी डेवलप हो गई। तो क्यों हो रहे हैं? बस ये इसीलिए क्योंकि स्लाइट म्यूटेशन हुआ है, तो उसके हमारे सिम्टम्स कोविड पॉजिटिव करके आ जाते हैं, बट उसकी सिवियरिटी उतनी नहीं रहती जितने की एकदम न्यू पेशेंट। जी बिल्कुल, तो ये म्यूटेशन को लेकर इस वक्त एक अहम सवाल ये भी है डॉक्टर कल्पना और डॉक्टर रमा, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि इसका कोई डेटा अभी देश में अवेलेबल है क्या कि कितना म्यूटेशन हो चुका है और कितने और कौन से स्ट्रेन जो है वो भारत में अलग अलग फैले हुए हैं, और क्या भारत में भी किसी म्यूटेशन का असर है, यहाँ का अपना भी कोई म्यूटेटेड वायरस हो गया है। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, मेरा सवाल यही कि क्या ऐसा कोई डेटा हमारे पास देश में मौजूद है कि कितने स्ट्रेन हैं जो अभी तक फैले हुए हैं, और क्या भारत का भी अपना कोई म्यूटेशन या अपना कोई स्ट्रेन है, इसे लेकर कोई डेटा अभी तक हमारे पास है? अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लैब में टेस्ट करके जो डिक्लेयर किया है वो इंडिया में दो नए स्ट्रेन हैं, दैट इज N440K एंड E484K, जो कि केरला और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाए गए हैं। ये दोनों स्ट्रेन पहले भी थे लेकिन इनकी मात्रा कम थी, इनका अभी जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा ये स्ट्रेन पाए गए हैं, प्लस जो यूके साउथ अफ्रीका एंड ब्राजीलियन स्ट्रेन हैं वो भी तकरीबन 150-200 लोगों में डिटेक्ट किए गए हैं। तो पहले ये नहीं आया था इंडिया में, तो अब और नए तरीके से बहुत ज़्यादा पाबंदियों के साथ हमें कोरोना से लड़ने की, कोरोना को कंट्रोल करने की तैयारी करनी होगी, जिसमें शासन प्रशासन का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बिना डरे लोग कुछ नहीं करते, बिना पनिशमेंट के लोग कुछ नहीं करते। जी हाँ बिल्कुल, लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और एक और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है, 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है गाजियाबाद में। तो नोएडा के बाद गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, 17 अप्रैल तक यहाँ भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो कुल मिलाकर यूपी के 6 शहर ऐसे जहाँ पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। नोएडा जहां पर 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, तो अब उसी फेहरिस्त में गाजियाबाद का भी नाम जुड़ गया है। गाजियाबाद में भी 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान गाजियाबाद में भी कर दिया गया है। और हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंट कल्पना दीक्षित जी भी हमारे साथ इस चर्चा में है। कल्पना जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो म्यूटेटेड वायरस है, या सादी भाषा में मैं कहूं तो ये जो स्वरूप बदला है वायरस ने, उसके कारण क्या कुछ सिम्टम्स भी अलग अलग देखने को मिल रहे हैं? मतलब शुरुआत में कोरोना के जो सिम्टम्स हुआ करते थे, या जिसको इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद जो ट्रीटमेंट उसका हुआ करता था, तो तब से और इस म्यूटेटेड वर्जन में कुछ बदलाव आया है, कुछ खतरा बढ़ा है या कम हुआ है, किस तरह आप इसको देख रहे हैं? देखिए म्यूटेशन में ऐसे कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं आए हैं, अब प्रोटोकॉल जो ट्रीटमेंट का था हम लोग पहले करते थे कि आइसोलेशन इज द बेस्ट मेथड, उसके बाद जैसे मास्किंग करते हैं, उनको मास्क पहनना है, आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन करना है, वो सब में किसी में कोई चेंज नहीं आया है। हाँ थोड़े बाद जैसे प्रेजेंटेशन है नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, बॉडी एज करके प्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा चोकिंग करके भी प्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये कोई इसकी सिवियरिटी की बात नहीं है, लेकिन बट ये है कि एसिम्प्टोमेटिक बहुत से केसेस हो रहे हैं जिनको कोई भी सिम्टम नहीं है, लेकिन अगर डिटेक्ट हो रहे हैं तो हमें उन्हें आइसोलेट करना पड़ेगा, और वहां पर कुछ सरकार को या इस तरीके से हम लोग को मार्क करना पड़ेगा कि वहां पर जनरल पब्लिक ना जाए, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले वाले लॉकडाउन के टाइम से करा था, लगभग हमें उसी तरीके को फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये जो मैसिव कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है तभी ये रुक पाएगा। जैसे हम लोग उस समय बहुत सीरियस है कि हम लोग हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन सब जरिए था, अब पब्लिक हमें ऐसा लगता है। जी हाँ, ये बातें बार बार लोगों को याद दिलाई जा रही हैं कि हाथ धोना नहीं छोड़ना है, जहाँ हाथ नहीं धो सकते वहाँ सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क हमेशा होना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, बहुत जरूरी है। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, वैक्सीनेशन से कोरोना की ये जो चेन है इसको तोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है, और अब मांग ये भी उठ रही है कि इसकी जो एज है वो और कम की जानी चाहिए, फिलहाल 45 साल से ऊपर की आयु के लोगों को लग रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यंग लोगों को भी इंक्लूड किया जाए, आपको लगता है वो समय आ गया है?
हाँ समय तो आ गया है, लेकिन इतनी वैक्सीन्स भी तो होनी चाहिए, इतना वर्क पार भी तो होना चाहिए, क्योंकि 121 करोड़ जनता अभी बाकी है और उसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं, पॉजिटिव तो बच्चे भी पाए जा रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हम लोगों ने कितनी वैक्सीन बनाई है और कितने लोगों को हम किस तरह से जल्दी लगा सकते हैं, कवर कर सकते हैं। करना तो सबको पड़ेगा, लेकिन क्राइटेरिया इसलिए सरकार ने बनाया होगा कि 60 के ऊपर जो लोग ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, जैसे डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ हैं, पुलिस वाले हैं, जिनका पब्लिक से वास्ता पड़ता है और जो कोरोना के मरीजों को बचाने में बिल्कुल फ्रंट वॉरियर्स हैं, उन लोगों को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी ना, फिर कौन देखेगा जी? चिकित्सकों को या पैरामेडिकल स्टाफ को या ऐसे हॉस्पिटल जो भी कोरोना को देख रहे हैं, उनके लिए तो बचना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर कि प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, वर्कफोर्स बढ़ना चाहिए, जिससे कम समय में ज्यादा लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जा सके। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुई।